अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप एक नाम सैयद साजिद के साथ आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक्स एडवांस टॉपिक्स हैं और पीपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। आज का हमारा पहला टॉपिक है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ मीन जब किसी मुल्क की इकानमी लंबे अरसे के लिए ग्रोथ करती है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट और मुकम्मल रोज़गार की इकानमी के अंदर सूरत हाल पाई जाती है। टॉपिक नंबर टू, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन मीन उतार चढ़ाव। जब किसी मुल्क की इकानमी में उतार चढ़ाव होते हैं एंड इट्स सोर्स और उसके ज़राए क्या हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू डिम्बर, डिम्बर के मुताबिक ए फुल एम्प्लॉयमेंट जो मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल होती है इज़ टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट मस्ट, यानी सरमायाकारी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर वन MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग COR, MPS प्लस COR नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर फोर आंस है नन ऑफ दीज। वारंटेड ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है बढ़ने की शरह, इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ वेयर इकॉनमी हैज़। ऑप्शन नंबर वन नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन, बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल के मुताबिक प्रोडक्शन फंक्शन जो पैदावार का तफावल है देयर इज़। ऑप्शन नंबर वन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आउटपुट पर वर्कर, आउटपुट मीन पैदावार पर वर्कर, जो एक मजदूर की पैदावार होती है इन सोलो मॉडल, सोलो मॉडल में इज़ डिवाइडेड इन टू। ऑप्शन नंबर वन सी प्लस एम, एम प्लस आई, सी प्लस आई, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है सी प्लस आई। सी से मुराद कंजम्पशन, आई मीन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज़ प्रोपोर्शनल, जो सरमायाकारी है इज़ प्रोपोर्शनल, यानी निस्बत शरह है या फीसद है टू इनकम अकॉर्डिंग टू। ऑप्शन नंबर वन रैंडम वॉक मॉडल, स्मॉलसन मॉडल, कीन्जियन मॉडल, सोलो मॉडल। ऑप्शन नंबर फोर आंस है सोलो मॉडल। इन सोलो मॉडल में स्टॉक ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन नंबर वन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन फरसूदगी के अखराजात या मशीनों के टूट फूट के अखराजात। ऑप्शन नंबर थ्री बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है बोथ ए एंड बी। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन, जब सरमायाकारी कम होती है देन डेप्रिसिएशन यानी मशीनों के टूट फूट के अखराजात से कैपिटल स्टॉक एंड आउटपुट वेल। ऑप्शन नंबर वन फॉल, राइज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर वन आंस है फॉल। एट इट स्टडी स्टे लेवल ऑफ कैपिटल। ऑप्शन नंबर वन डेल्टा वाई ओवर वाई, डेल्टा वाई मीन चेंज इन इनकम ओवर वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर एल। आंस है इन सोलो मॉडल में ड्यू टू इंक्रीज इन सेविंग, जब हमारी बचतें बढ़ती हैं देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ। ऑप्शन नंबर वन कैपिटल, आउटपुट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है बोथ ए एंड बी। इन सोलो मॉडल ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, सोलो मॉडल में जब आबादी बढ़ती है द आउटपुट जो पैदावार है पर वर्कर वेल। ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर टू आंस है डिक्रीज। इन सोलो मॉडल एट स्टडी स्टे ऑफ कैपिटल द इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन आर। ऑप्शन नंबर वन डिफरेंट, सेम, इक्वल, जीरो। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है इक्वल।
अकॉर्डिंग टू सोलो मॉडल, सोलो मॉडल के मुताबिक व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ, जब आबादी बढ़ती है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वेल, जो लोगों का रहने का मियार है, होगा ऑप्शन नंबर वन राइस, फॉल, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर टू आंस है फॉल। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एकामोलेशन, एकामोलेशन मीन तश्कील करना, इज द स्टडी स्टे विच इज फर्निश्ड विद हाईएस्ट लेवल ऑफ। ऑप्शन नंबर वन प्रोडक्शन, आउटपुट, कंजम्पशन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन सरफी अखराजात। एंड स्टडी स्टे व्हेन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन जो मशीनों के टूट फूट के अखराजात होते हैं, इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी के बराबर होते हैं, देयर वेल बी। ऑप्शन नंबर वन ए चेंज इन कैपिटल स्टॉक, नो चेंज इन कैपिटल स्टॉक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर टू आंस है नो चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इफ द स्टडी स्टे ऑफ कैपिटल इज बिलो द गोल्डन रूल, गोल्डन रूल के मुताबिक लेवल द इंक्रीज इन कैपिटल वेल। ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज कंजम्पशन, डिक्रीज कंजम्पशन, डिक्रीज प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर टू आंस है इंक्रीज कंजम्पशन, यानी जो सरफी अखराजात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, गोल्डन रूल के मुताबिक कंडीशन एम पी के यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज, ऑप्शन नंबर वन इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लेस देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मोर देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर वन आंस है इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अकॉर्डिंग टू इंडोजीनियस ग्रोथ थीरी, इंडोजीनियस ग्रोथ थीरी के मुताबिक प्रोडक्टिविटी जो पैदावार है, ग्रोथ इज बढ़ती है, ऑप्शन नंबर वन हाई, लो, नॉट गिवन, गिवन। ऑप्शन नंबर फोर आंस है गिवन। इन न्यू ग्रोथ थीरी, न्यू ग्रोथ थीरी में एम पी के मीन्स मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डज नॉट फॉल, नहीं गिरती, बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर वन ग्रोथ रेट, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, लेस इकोनॉमी ग्रोथ, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर टू आंस है ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, यानी इंसानी ज़रा तरक्की याफ्ता होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थीरी, न्यू क्लासिकल थीरी के मुताबिक एक कंट्रीज जो एक मुल्क होता है, लॉन्ग रन ग्रोथ, जो लंबे अरसे की जो ग्रोथ होती है, डिपेंड्स अपॉन इट्स, इनसार करती है, ऑप्शन नंबर वन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू इंडिजीनियस ग्रोथ थीरी, इंडोजीनियस ग्रोथ थीरी के मुताबिक रेट ऑफ ग्रोथ, जो बढ़ने की शरह है आप प्रोडक्टिविटी पैदावार की, इज डिटरमाइंड, उसका तयन होता है, ऑप्शन नंबर वन एक्सोजीनियसली, इंडोजीनियसली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर टू आंस है इंडोजीनियसली। इन इंडोजीनियस थीरी, इंडोजीनियस थीरी में एम पी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डज नॉट फॉल, नहीं गिरती, बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो इंसानी ज़राए हैं, ऑप्शन नंबर वन नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर फोर आंस है ऑल ऑफ दीज। इन न्यू ग्रोथ थीरी, न्यू ग्रोथ थीरी में द लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज डिपेंड अपॉन, इनसार करती है, इन्वेस्टमेंट रेट, कंजम्पशन रेट, सेविंग रेट, प्रोडक्शन रेट। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है सेविंग रेट। इन इंडोजीनियस ग्रोथ थीरी, इंडोजीनियस ग्रोथ थीरी में सेविंग्स इफेक्ट्स, इफेक्ट या इफेक्ट्स, जो बचते हैं वो असर करती हैं ग्रोथ, बिकॉज दे
स्टीमुलेट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन नंबर वन ह्यूमन कैपिटल, आर एंड डी बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है बोथ ए एंड बी। दी इंस टेबल वांट्स प्रॉफिट इनोवेशन, इनोवेशन मीन इजादात, एंड आर एंड डी आर इम्पोर्टेंट स्टीमुलेशन ऑफ ऑप्शन नंबर वन प्रोडक्शन ग्रोथ आउटपुट इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर टू आंसर है ग्रोथ, ग्रोथ मीन बढ़ना। व्हेन स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रोथ रियल जीडीपी, जीडीपी मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर वन डज नॉट ग्रो, ग्रोथ रिमेन सेम नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर टू आंसर है ग्रोथ। बिजनेस साइकल्स तजारती चक्कर कम इनटू बिकम ऑफ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मीन जारिब, एंड एक्सीलेटर, एक्सीलेटर मीन इसरार, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, ऑप्शन नंबर वन रिकार्डो रिचर्ड कीन्स समोलसन, ऑप्शन नंबर फोर आंसर है समोलसन। बिजनेस साइकल तजारती चक्कर डील विद ऑप्शन नंबर वन प्रोड्यूसर्स फॉर्म्स होल इकोनॉमी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है होल इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू कीन्जियन, कीन्जियन के मुताबिक बिजनेस साइकल्स जो तजारती चक्कर हैं आर एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मीन मंसूब होते हैं टू चेंज इन, ऑप्शन नंबर वन एग्रीगेट डिमांड, बिहेवियर ऑफ लेबर मार्केट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशंस थीरीज, रैशनल एक्सपेक्टेशन थीरीज के मुताबिक रैशनल एक्सपेक्टेशन मीन पब्लिक पॉलिसी आइडियाज, यानी पब्लिक पॉलिसी पर अमल किया जाता है। बिजनेस साइकल्स तजारती चक्कर आर असाइंड टू रैशनल एक्सपेक्टेशंस रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर वन इनकम लेबर प्राइस वेजेस, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है प्राइस। अकॉर्डिंग टू आर बी सी, आर बी सी मीन रियल बिजनेस साइकिल, यानी हकीकी तजारती चक्कर थीरी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस मीन उतार चढ़ाव अक्सर वाक़या होती हैं बिकॉज ऑफ रेंडम फ्लक्चुएशंस इन, ऑप्शन नंबर वन मनी सप्लाई प्रोडक्टिविटी टैक्स कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर टू आंस है प्रोडक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू आर बी सी, आर बी सी मीन रियल बिजनेस साइकिल टेक्निकल चेंजेस, जब जदीद तब्दीलियाँ वाकई होती हैं अक्कर ड्यू टू चेंज इन, ऑप्शन नंबर वन रिसर्च डिवेलपमेंट प्रोडक्शन पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर फोर आंस है पॉपुलेशन। दी टेक्निकल चेंजेस जदीद तब्दीलियाँ विच मेक दी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लीड टू, ऑप्शन नंबर वन एक्सपेंशन रिवाइवल कंस्ट्रक्शन रिसेशन, ऑप्शन नंबर वन आंसर है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन फैलाओ। व्हेन टेक्निकल चेंजेस अक्कर इन द इकोनॉमी सम पार्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल बिकम्स, ऑप्शन नंबर वन एब्सोल्यूट चीप नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर वन आंसर है एब्सोल्यूट। ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस जब जदीद तब्दीलियाँ वाकया होती हैं, व्हेन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, जो सरमाया की तलब है वो कम हो जाती है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेल शरह सूद होगा, ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम फ्लक्चुएट, ऑप्शन नंबर टू आंसर है डिक्रीज। बिकॉज ऑफ फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब शरह सूद गिरता है, फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ व्हेन टू वर्क द लेबर वेल, ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज देयर सप्लाई डू नॉट इफेक्ट सप्लाई फिनिश देयर सप्लाई, ऑप्शन नंबर टू आंसर है डिक्रीज देयर सप्लाई। द साइन ऑफ बिगनिंग, स्टार्ट में ऑफ रिसेशन जब कसाद गुजारी होती है, आर दी फॉल इन, ऑप्शन नंबर वन रियल इंटरेस्ट रेट रियल वेजेस रेट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर फोर आंसर है ऑल ऑफ दीज। ड्यू टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट
जब रोज़गार की शरह गिरती है, एग्रीगेट सप्लाई ऑप्शन नंबर वन डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर वन आंसर है डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू आर बी सी मीन रियल बिजनेस साइकिल, रियल फैक्टर्स जो हकीकी अवामिल होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल्स तजारती चक्कर एज द इफेक्ट, ऑप्शन नंबर वन रियल इंटरेस्ट रियल जीडीपी, जीडीपी मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रियल एम्प्लॉयमेंट ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर फोर आंसर है ऑल ऑफ दीज। टेक्निकल स्टॉक विच जनरेट्स ट्रेड साइकिल्स इन आर बी सी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन नंबर वन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ओवर पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर फोर आंसर है इकोनॉमिक ग्रोथ। सम इकोनॉमिस्ट थिंक डैट आर बी सी रियल बिजनेस साइकिल सेपरेट्स हीट रेदर, ऑप्शन नंबर वन लाइट कोल्ड रेज सक्सेस, ऑप्शन नंबर वन आंसर है लाइट। अकॉर्डिंग टू नियोलसन एंड प्लोसर फंक्शन, नियोलसन और प्लोसर के तफौल के मुताबिक इन आर नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंस इन डिटरमिनिंग द फंक्शन इन, ऑप्शन नंबर वन इनपुट प्राइस आउटपुट वेजेस, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है आउटपुट। द बजट डेफिसिट लीड्स टू हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी सप्लाई विच इन टर्म बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन नंबर वन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन स्टैग इन्फ्लेशन पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर टू आंसर है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन अफराते दर अशिया की कीमतों का बढ़ना। द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब अशिया की कीमतें बुलंद होती हैं आर इनवेरिएबली लिंक्ड टू हाई रेट, ऑप्शन नंबर वन मनी डिमांडेड मनी ग्रोथ प्राइस स्टेबलाइजेशन प्राइस मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर टू आंसर है मनी ग्रोथ। द रेवेन्यू डेट गवर्ट राइजेज जब हुकूमत अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है बाय प्रिंटिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर वन सिग्रेशंस हाई बजट नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर वन आंसर है द कॉस्ट विच द फर्म जो फर्म की जो लागत होती है हैव टू फेस जो फर्म को सामना होता है इन ऑर्डर टू चेंज द प्राइसेस या द प्राइस टैग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर वन प्रोडक्ट कॉस्ट रियल कॉस्ट म्यू कॉस्ट नॉमिनल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है म्यू कॉस्ट। दी जी डी पी, जी डी पी मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री वेल इंक्रीज जब बढ़ती है इफ़ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन, ऑप्शन नंबर वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिसोर्स अवेलेबल ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर फोर आंसर है ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू कीन्जन कीन्जन के मुताबिक फ्लक्चुएशंस अक्कर जब उतार चढ़ाव वाक़िया होते हैं ड्यू टू स्टिकी प्राइसेस वेल, ऑप्शन नंबर वन न्यूट्रलिटी ऑफ प्राइसेस न्यूट्रलिटी ऑफ मनी नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। द सोशल कॉस्ट मूव्स राउंड दी, ऑप्शन नंबर वन सोशल रेदर कॉस्ट म्यू कॉस्ट नो इंडेक्स्ड आर सिस्टम ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर फोर आंसर है ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन के मुताबिक इक्वलेंसी बजट डेफिसिट इज ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग इन फ्यूचर टैक्स फॉर फॉल इन, ऑप्शन नंबर वन पास्ट टैक्स करंट टैक्स लो टैक्स हाई टैक्स, ऑप्शन नंबर टू आंसर है करंट टैक्स।